तो हेलो गाइस, मैं हूं उबेद और आप देख रहे हैं द उबेद रिव्यू। दोस्तों, शाहिद कपूर की मूवी ब्लडी डैडी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिलहाल शाहिद कपूर जब आम दिनों में नए नए हीरो बन के आए थे, तो इनको ये कहा गया था कि यार ये शाहरुख खान की कॉपी करते हैं, मतलब शाहरुख खान के कॉपी कैट है। बालों से लेकर बॉडी से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक, डायलॉग डिलीवरी तक, यहाँ तक के प्रॉपर एक्टिंग भी शाहिद कपूर शाहरुख खान की करते थे, ऐसे लोग कहते हैं। भाई मुझे तो नहीं लगता था। एक एक्टर होता है किसी से इंस्पायर होता है, किसी को किसी की एक्टिंग अच्छी लगती है तो वो उसकी अगर करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी कॉपी कर रहा है। फिलहाल अगर शाहरुख खान को भी देखा जाए, तो शाहरुख खान साहब जब आए थे तो सब यही कहते थे कि यार अमिताभ बच्चन साहब की शाहरुख खान एक्टिंग कर रहे हैं, दिलीप कुमार साहब की शाहरुख खान एक्टिंग कर रहे हैं। तो आज शाहरुख खान कितने फेमस हो चुके हैं, अगर वो किसी और की एक्टिंग करते तो आज यहाँ तक तो नहीं होते ना भाई। किसी न किसी एक्टर से कोई ना कोई एक्टर इंस्पायर होता है। किसी को आज के दौर का देखा जाए तो किसी को शाहरुख खान की एक्टिंग पसंद आती है, पिछला दौर देखा जाए तो किसी को दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन साहब की एक्टिंग पसंद आती है। अब कोई ना कोई एक्टर तो भाई किसी न किसी को देख के तो आगे निकलता ही है। अब कितने एक्टर्स हैं जो शाहरुख खान को देख के एक्टिंग करने का जज्बा उनके अंदर जाएगा, जिसमें से एक शाहिद कपूर साहब हैं, जो कि बताते हैं कि मेरे फेवरेट एक्टर उनके पापा पंकज कपूर और शाहरुख खान हैं। लेडी डैडी में आपको शाहिद कपूर के अलावा और भी कलाकार आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि रोनित रॉय, संजय कपूर, राजीव खंडेलवाल, ये सभी कलाकार मंझे हुए कलाकार हैं। और ये इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद शाहिद कपूर को देखने में ऐसा लगता है कि वो फुल फुल एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, चाकू से अपने अपोजिट लोगों को काट रहे हैं, फाड़ रहे हैं, मार रहे हैं। तो ये एक अलग तरीके का शाहिद कपूर का एक नया ही विज़न निकल के आया है, जो कि काफ़ी हाइप बना रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि इस तरीके के किरदार में शाहिद कपूर कभी आए नहीं है। मतलब एक जब हमने देखी थी आर राजकुमार तो वो देसी लुक था, ये जो है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कि हॉलीवुड लुक लाइक होता है, जैसे कि जॉन विक वाला जो एक तरीके से कैरेक्टर होता है, इस तरीके से ये मार रहे हैं। फिलहाल मूवी 9 जून को रिलीज हो रही है, वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर, जो कि जवान मूवी के ठीक 7 दिन के बाद, जवान जून 2 जून को रिलीज हो रही है और ये हो रही है 9 जून को। फिलहाल शाहिद कपूर और शाहरुख खान के अंदर दबा के कॉम्पिटिशन लगने वाला है। इधर नेटफ्लिक्स पे आग लगेगी तो उधर सिनेमाघरों में आग लगेगी। फिलहाल देखते हैं कौन सी मूवी ज्यादा ऑडियंस को खींच पाती है, किस पे ज्यादा किस मूवी की ज्यादा किस मूवी की ज़्यादा रेटिंग लगती है, ये तो हम मूवी देखने के बाद ही बताएंगे। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आपको कौन सी मूवी का ज़्यादा इंतज़ार है, ब्लडी डैडी या जवान, शाहिद कपूर या शाहरुख खान, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। फिलहाल अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।